यहाँ पर मैं डिस्कशन करूँगा एम टू एम गेटवे की वर्किंग के बारे में, कि एम टू एम गेटवे जो है वो कैसे काम करता है। यहाँ पर मैं इस बात पे डिस्कशन करूँगा। तो देखिए, जो एम टू एम गेटवे होता है, इस एम टू एम गेटवे में काफ़ी सारी चीज़ें कंबाइन होती हैं। जैसे कि एम टू एम गेटवे में होता है एक वर्चुअल नोड होता है, एम टू एम गेटवे में होता है एक वर्चुअल नोड। यह वर्चुअल नोड जो होता है ये एम टू एम नोड से मिलकर बना होता है। इस यहाँ पर नोड का मतलब है, यहाँ पर नोड का मतलब है मशीन्स, यानी कि यहाँ पर जो भी वर्चुअल नोड बनाया जाएगा वो एम टू एम नोड से बना रहेगा, एम टू एम नोड से बना रहेगा। और जो वर्चुअल नोड रहेगा और जो भी वर्चुअल नोड रहेगा, इस वर्चुअल नोड के भी कुछ ना कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे कि एक वर्चुअल नोड में जो कंपोनेंट्स होते हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं। जैसे कि पहला होता है नेटिव प्रोटोकॉल, दूसरा होता है प्रोटोकॉल ट्रांसलेशन, और तीसरा होता है प्रॉक्सी। तो M2M गेटवे में जैसे कि हमने आपको बताया कि M2M गेटवे में वर्चुअल नोड होता है जिसमें नेटिव प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल ट्रांसलेशन और प्रॉक्सी होता है। यह वर्चुअल नोड लास्ट में विद द हेल्प ऑफ आईपी रूटिंग कन्वर्ट हो जाता है और हेल्प करता है कम्युनिकेशन बिटवीन M2M एरिया नेटवर्क्स के बीच में होने वाले कम्युनिकेशन में हेल्प करता है आफ्टर आईपी रूटिंग। ये जो वर्चुअल नोड बना रहता है, यह वर्चुअल नोड बनता है M2M नोड से। और इस पूरे प्रोसेस में, यानी कि M2M से वर्चुअल नोड बनने और वर्चुअल नोड से पूरा उनके आईपी रूटिंग होने तक के इस पूरे प्रोसेस में कुछ प्रोटोकॉल्स का यूज़ होता है। जैसे कि M2M एरिया नेटवर्क्स में अलग अलग प्रोटोकॉल्स होते हैं, इन सारे प्रोटोकॉल्स का ही यूज़ होता है M2M गेटवे में। जैसे कि कुछ प्रोटोकॉल हैं ब्लूटूथ, ZigBee 802.15.4, इसके अलावा 6LO, 6LO, low pan, इसके अलावा एम बस वायरलेस एम बस, इसके अलावा और भी कुछ M2M एरिया नेटवर्क्स के प्रोटोकॉल का यूज़ होता है, वो हैं मॉड बस और Z-Wave। यानी कि M2M गेटवे में इन सारे M2M एरिया नेटवर्क्स के प्रोटोकॉल्स का यूज़ होता है। तो ये कम्युनिकेशन जो है कैसे वर्क करता है, जैसे कि सपोज़ इनिशियली हम यह मान के चल रहे हैं कि हमारे पास दो M2M नोड हैं, पहला M2M नोड 1, दूसरा M2M नोड 2। अब ये जो दोनों नोड रहेंगे ये कन्वर्ट होंगे एक वर्चुअल नोड में, जिसमें कि रहेगा, एक रहेगा नेटिव प्रोटोकॉल, एक रहेगा, और इसी नेटिव प्रोटोकॉल का होगा प्रोटोकॉल ट्रांसलेशन, अगेन विद द हेल्प ऑफ प्रॉक्सी। इसी तरीके से वर्चुअल नोड 2 में भी रहेगा नेटिव प्रोटोकॉल, और उसमें भी होगा प्रोटोकॉल ट्रांसलेशन, और उसमें भी होगा प्रॉक्सी। इसके बाद ये दोनों आपस में कंबाइन होके विद द हेल्प ऑफ आईटी रूटिंग एक
सफिशिएंट डेटा में क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे। ये जो वर्चुअल नोड होते हैं, ये वर्चुअल नोड ही पार्ट होते हैं M2M गेटवे का। M2M गेटवे का यही पार्ट होते हैं। यह जो M2M गेटवे है कैसे एक्ट करता है, हम इसके बारे में भी आपको बताते हैं। जो M2M गेटवे होता है, यह गेटवे बेस्ड होता है, यह गेटवे बेस्ड होता है उन कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स पे, उन कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स पे बेस्ड होता है जो प्रोटोकॉल्स यूज्ड होते हैं, जो प्रोटोकॉल यूज़ होते हैं M2M के एरिया नेटवर्क पे। जैसे कि हमने आपको कुछ प्रोटोकॉल्स के नाम बताए, जैसे कि जिगबी, एम्बस, जिगबी, एम्बस, UWS, UWS, मॉडबस, जेडवेव, ये सभी किस में यूज़ होते हैं, M2M गेटवे में भी यूज़ होते हैं। साथ ही साथ इन प्रोटोकॉल्स के यूज़ होने के अलावा क्या होता है, M2M गेटवे प्रोटोकॉल ट्रांसलेशन का कार्य भी करता है, प्रोटोकॉल ट्रांसलेशन का भी टास्क करता है। अब जो प्रोटोकॉल ट्रांसलेशन का टास्क होता है वो इसलिए होता है क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस के लिए क्या हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल्स उनमें इस्तेमाल हो सकता है। तो इन सारे प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए हम प्रोटोकॉल ट्रांसलेशन करते हैं, जिससे एक कॉमन प्रोटोकॉल बन जाता है। और एक कॉमन प्रोटोकॉल बनने से क्या है, कम्युनिकेशन में आसानी होती है। इसलिए हम यूज़ करते हैं प्रोटोकॉल ट्रांसलेशन। तो अब तो क्या हो गया, प्रोटोकॉल ट्रांसलेशन होने के बाद जो M2M गेटवे रहता है, यही M2M गेटवे वर्क करने से जो प्रोटोकॉल ट्रांसलेशन हुआ रहता है, यानी कि जो भी ट्रांसलेटेड प्रोटोकॉल्स हैं ये यूज़फुल हो जाते हैं फॉर द IP, यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल। IP प्रोटोकॉल के लिए भी यूज़फुल हो जाते हैं। तो इस तरीके से हम यह देख सकते हैं कि M2M गेटवे, इस तरीके से हम यह देख सकते हैं कि ये जो M2M गेटवे है, इसमें हर नोड अपीयर हो सकता है एज अ वर्चुअल नोड किसी भी एक्सटर्नल M2M एरिया नेटवर्क के लिए, वो एज अ वर्चुअल नोड अपीयर हो सकता है। और वर्चुअल नोड बन जाने की वजह से M2M गेटवे कम्युनिकेशन में भी यूज़फुल होता है।